So let's start. All of you take cell number. Page 124. It down. Okay. 124, sum number 14. Balance of Kalyani, you are required to make trading and P&L account for the year ended 31st March 2010 and balance sheet as on that date. Start with capital. Where do you put capital? Liability. L. Start with capital, liabilities L. Capital is liability L. Drawings. Minus from capital. Minus from capital. C minus or L minus. Whatever you want, you can write. Stock on 1/4/2009. That is opening stock. So that is TD. Trading debit. TD. Opening stock is TD. Opening stock is TD. Either. Opening stock is TD. Octroi duty, where do you put? Trading debit. Octroi duty is trading debit. Okay. Purchase related tax. Input tax. Purchase and sales. Purchases are TD and sales are TC. Trading debit and trading credit. Returns, देखो, काफी लोग इसमें mistake कर देते हैं. Returns, मतलब दोनों हो सकता है. Purchase return भी हो सकता है और sales return भी हो सकता है. दोनों कॉलम में दिया हुआ है. विच वन इज विच वन? वेरी गुड. डेबिट वाला इज सेल्स रिटर्न एंड क्रेडिट वाला इज परचेज रिटर्न. ऐसा क्यों? एग्जैक्टली. सेल्स रिटर्न विल हैव डेबिट बैलेंस एंड परचेज रिटर्न्स विल हैव क्रेडिट बैलेंस. ऑलवेज इट इज लाइक एक्सपेंसेस डेबिट इनकम्स आर क्रेडिट. तो सेल्स रिटर्न इज लाइक एक्सपेंस ऑपोजिट ऑफ सेल्स. परचेज और सेल्स को याद रखो. रिटर्न उनके ऑपोजिट है. परचेज का क्या बैलेंस होता है? डेबिट. सेल्स का क्रेडिट. तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट और सेल्स रिटर्न का डेबिट. तो सिर्फ रिटर्न्स दिया तो ध्यान रखना. डेबिट वाला इज सेल्स रिटर्न एंड क्रेडिट वाला इज परचेज रिटर्न. गॉट इट? सो कीप दैट इन माइंड. सैलरीज पीएनएल डेबिट. पीएनएल डेबिट. कैरेज आउटवर्ड्स पीएनएल डेबिट. सेल्स रिलेटेड एक्सपेंस. वेजेस टीडी ट्रेडिंग डेबिट. वेजेस आर ट्रेडिंग डेबिट. प्रोडक्शन का. इंश्योरेंस पीएनएल डेबिट. इनडायरेक्ट एक्सपेंस. डिस्काउंट रिसीव्ड. डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम. सो पीएनएल क्रेडिट. पीएनएल क्रेडिट. पीएलसी है वो. पोस्टेज पीएनएल डेबिट. इनडायरेक्ट एक्सपेंस पीएनएल डेबिट. डेटर्स एंड क्रेडिटर्स.
Asset. Credit none. Discount. Debtors and creditors are what? Asset liability. Assets and liabilities. Which one is asset, which one is liability? Debit wala is asset and credit wala is liability. Then furniture is asset. Cash in hand is asset. Machinery is asset. Rent and taxes, P&L debit, indirect expense. What if it was factory rent and taxes? Then it would have been trading debit. This is the only rent and taxes is P&L debit. Printing and stationery, P&L debit, indirect expenses. Office. Bank overdraft, liability. L. Adjustments. Number one. Closing stock was valued at 40,000, whereas its market price was 45,000. You have been given two values of closing stock for the first time. Which value are you supposed to consider? Lower value. Lower value. Lower of the two. आपको ये देखना ही नहीं है कि cost क्या है, market क्या है. आपको कम choose करना है. कम वाला value choose करना है. ठीक है? You have to take the lower of the two. Why do we do like this, lower of the two? Which concept states to do that? Conservatism. देखो, आपका यहां पर cost 40,000 है. Shift inside ना, why are you wasting time? Cost is 40,000 and market price is 45,000. तो आपको मालूम है क्या फ्यूचर पे हायर प्राइस पे बेचने वाले हो तो प्रॉफिट होगा, बराबर है ना? तो प्रॉफिट एडवांस में दिखाने की जरूरत नहीं. तो अभी 40 पे ही रिकॉर्ड करो, बाद में बेचने तो 45 पे बिकेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. लेकिन उल्टा होता, मार्केट प्राइस 40 होता और कॉस्ट प्राइस 45 होता, तो भी 40 पर ही रिकॉर्ड करते. तो आपको मालूम है फ्यूचर में लॉस होने वाला है. अभी से कितना दिखा तो स्टॉक का वैल्यू 40,000. तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस ड्यू टू कंजर्वेटिज्म. क्योंकि इससे क्या होता है, जितना क्लोजिंग स्टॉक कम होगा ना, उतना प्रॉफिट्स भी कम होगा. क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. स्टॉक बढ़ेगा, प्रॉफिट्स बढ़ेगा. स्टॉक घटेगा, प्रॉफिट्स घटेगा. इज इट क्लियर? ठीक है, ठीक है. रिक्शा वाला संभाल पीछे जाओ, आप बैठो इधर. क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट्स आर व्हाट, डायरेक्टली और इनवर्सली? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट. जितना स्टॉक घटेगा उतना प्रॉफिट्स भी घटेगा. स्टॉक इज लाइक अ प्रीपेड एक्सपेंस. इस साल का एक्सपेंस को घटाता है, एक्सपेंस को घटा दे तो इंडायरेक्टली प्रॉफिट को बढ़ा देता है. तो क्लोजिंग स्टॉक कम तो प्रॉफिट कम, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा. तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी है क्लोजिंग स्टॉक में, हायर और लोअर? लोअर वैल्यू. तो प्रॉफिट हमेशा कम दिखाने का, फ्यूचर में होने दो प्रॉफिट चलेगा, एडवांस में कभी प्रॉफिट दिखाने का. विच कंसेप्ट? कीप दैट इन माइंड. ओके, सो 45 को क्या करना है, इग्नोर मारना है, इग्नोर करना. 40 लेना आपका आंसर. Then depreciate machinery at 5%. What are the two effects of depreciation? याद है आपको? Depreciation को क्या है? Asset बढ़ा कि घटा? घटा. तो minus from asset and P&L की trading. P&L debit side indirect expenses. Is it clear? P&L debit and minus from machinery. उसके बाजू में पढ़ो एक और statement दिया, ध्यान से पढ़ो. Machinery includes machinery of 20,000. Purchased on 1/10/2009. Machinery includes machinery of 20,000 purchased on 1/10/2009. Why have they given this information? Exactly. ऊपर देखो मशीन कितने की है. ऊपर मशीन दिख रही है आपको कितनी है, 80 है. ये 80 एक्चुअली टोटल मशीन है, इसके अंदर दो मशीन पड़ी हुई है. You can name it as M1 and M2. एक है 60 की, एक है 20 की. सुना है? अब ये 20 वाली कब खरीदी है? 1/10/09. ये 20 वाली पे कितना महीने का डेप्रिसिएशन हो गया?
छह महीना क्योंकि ईयर एंड्स इन मार्च किया ना डेबिट चैप्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च तो ये 20 वाली पे 6 मंथ्स और ये 60 वाली पे कितना कुछ नहीं दिया तो 12 ऐसे आप यूजुअली लेते समझ आया व्हाट इज द रेट 5% इस पे 60,000 पे 5% फुल ईयर 3,000 दैट्स योर डेप्रिसिएशन और इस पे 20,000 पे 5% इज 1,000 बट फॉर 6 मंथ्स इट इज 500 सो दिस बिकम्स 3,000 सो व्हाइल सबट्रैक्टिंग हाउ मच विल यू सबट्रैक्ट 3,000 You understand? All of you got this? Pakka? So remember this, whenever they give you some additional information about date of that asset, that's mainly for the purpose of depreciation. That's not a new adjustment. It is just an information for calculating depreciation. Depreciation, how are you supposed to do? Did you understand? Kuch nahi diya, main chupchap 12 mahine ka le leta. Lekin usne diya hai ki 20,000 ka machine 110 ko aaya. So on that 20,000, I'll take it for 6 months. And the remaining asset for 12 months. Just break it down. This is for depreciation. This is for depreciation. Depreciation ka effect pata chala aapko? Less from asset and P&L debit. Salary 2,000 and wages 1,000 were outstanding. Outstanding matlab dena? Baki hai. Expense belongs to? This year. But pay nahi kiya. Dena? Baki hai. So what are we supposed to do with outstanding expense? Entry is what? Expense to outstanding expense. So how do we tackle it in your final accounts? Add to respective expense and line. So the LIFO plus salary plus wages and LN. Insurance of 500 was prepaid. Prepaid मतलब ज़्यादा pay कर दिया। तो वो ये साल को belong करता है कि next year? Next year को belong करता है। Next year को belong करता है तो plus करना है कि minus? Minus करना है। Is that clear? Minus करना है। Logic क्या हुआ इसका? आप देखोगे insurance कितना दिया हुआ है ऊपर? 2000 दिया हुआ है मिला आपको बट क्या एंटायर 2000 बिलोंग्स टू करंट ईयर 1500 ही करंट ईयर का 500 तो कौन सा है नेक्स्ट ईयर का एडवांस में पे कर दिया पापा के पास बहुत पैसा था आपको तो क्या किया आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया क्या दिखा दूं पूरा का पूरा 2000 इन द करंट ईयर नो तो व्हाट एम आई सपोज टू डू दैट सब्ट्रैक्ट इट डजंट बिलोंग टू दिस ईयर रिमूव इट एंड कन्वर्ट इट इनटू व्हाट एसेट सो एक्सपेंस घटाओ एसेट बढ़ाओ और नेक्स्ट ईयर ये क्या बन जाएगा वापस एसेट घटेगा एक्सपेंस बन के आ जाएगा बट इट दैट्स योर प्रीपेड जस्ट लाइक स्टॉक सो लेस फ्रॉम इंश्योरेंस एंड एसेट याद है प्रीपेड व्हाट इज द एंट्री फॉर दिस रिमेंबर एडजस्टमेंट एंट्री फॉर प्रीपेड एक्सपेंस एडवर्टाइजमेंट प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस एसेट बढ़ा एक्सपेंस घटा एक्सपेंस क्रेडिट एसेट डेबिट तो प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस डॉट्स दे दो अभी याद है डॉट्स हम लोग देते थे व्हाट आर डॉट्स प्लस माइनस के आइटम्स स्टॉक तो कुछ प्लस माइनस नहीं होता मशीनरी पे एक डॉट व्हाई डेप्रिसिएशन वेजेस पे एक सैलरीज पे एक इंश्योरेंस पे वेजेस इंश्योरेंस बाजू बाजू में सैलरी एक आइटम ऊपर है वेजेस इंश्योरेंस सैलरीज पे और मशीनरी का मिलेगा फोर्थ लास्ट लेट्स स्टार्ट With the first item, capital. Inner or outer call? Inner call. Sab headings vagera barabar se likhna hai. In the books of Kalyani, trading account for the year ended 31st March 2010, P&L for the year ended 31st March 2010, balance sheet as on 31st March 2010, and debit, credit and everything, particulars, amount, liabilities, assets, everything. Alright? Capital is liabilities, inner column. Drawings, what am I supposed to do? Subtract. Minus from capital. Drawings is minus from capital but inner column. Plus minus karna hai to inner column. Barabar hai? Stock on 1/4/2009. Which stock is that?
opening stock, inner or outer call? Outer call. No plus, no minus. Straight in the outer column, 45,000. Understood? Octroi duty. Where do you put octroi duty? TD or PNL debit? TD. State ya district mein goods lane ka tax. To octroi duty. Trading debit. Amount is? 800. 800 is octroi duty. Did you get that? Next. Purchase and sales. Which one is which one? Debit purchase. 2 lakhs are purchase. Inner or outer column? Inner column. And sales are 3 lakh and 12,000. Inner column again. Returns. Which one is which one? Debit wala is sales return and credit wala is purchase return. Aap opposite tarike se yaad rakh sakte ho. Purchase debit hota hai to purchase returns credit hoga. Aur sales credit hota hai to sales return debit hoga. Okay? Ya phir apna main concept hoi, all expense and all assets are debit balance, all incomes and all liabilities are what? Credit balance. Numerous ways to check. क्योंकि यहाँ पे बहुत क्रूशियल चीज है, यह है चिंटू सा पिद्दी सा आइटम है रिटर्न्स, बट देखो गड़बड़ क्या हो सकती है. अगर आपने ये रिटर्न इधर डाल दिया और ये रिटर्न इधर डाल दिया तो ग्रॉस प्रॉफिट गलत हो जाएगा, नेट प्रॉफिट गलत हो जाएगा, कैपिटल गलत और बैलेंस शीट का टोटल भी टैली नहीं होगा. चार मार्क उड़ेंगे सीधे. तो ट्रेडिंग वाले पार्ट में थोड़े केयरफुल रहना है. यहाँ पे गड़बड़ होगी 3, यहाँ पे गड़बड़ होगी 2, इधर फाइनल में हुआ 1 मार्क. यहां चलोगे तो पूरी लंगर खराब करेगा. डोमिनो इफेक्ट. नेक्स्ट वन सैलरीज. वेयर डू पुट पीएनएल डेबिट. लीव अ लाइन. व्हाई एम आई लीविंग दिस लाइन? आज तक एक बार भी आया नहीं है. फिर भी टू सैलरीज. इनर और आउटर कॉल? डॉट दिया है कि नहीं चेक करो ना. डॉट है ना, दैट्स व्हाई इनर कॉल. व्हाई इनर कॉल? क्या करना है डॉट चेक करो एडजस्टमेंट में. आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस करना है कि माइनस? इसका लॉजिक क्या हुआ, आपने पे तो 10 किया है लेकिन साल की सैलरी 10 नहीं है, 12,000. वर्कर एम्प्लॉय ने काम 12,000 का किया है, आपने पे 10 किया है, तो क्या 10 रिकॉर्ड कर दोगे पेड के हिसाब से? इसकी फॉलो विद सिस्टम कैश और अक्रूवल. अक्रूवल स्टेट्स दैट शो योर एक्सपेंसेस ऑन इनकर्ड बेसिस. काम कितना हुआ 12 का, तो सैलरी भी कितनी दिखनी चाहिए 12, तो 2000 ऐड. समझ आया? गॉट दैट? ओके. नेक्स्ट वन कैरेज आउटवर्ड्स. इनर और आउटर? आउटर. कैरेज आउटवर्ड्स इज आउटर कॉल. 1400. No plus minus stuff. Wages are trading debit, but I shall put it under inner or outer call? Inner. Why inner? What is, there is a dot on that. What is a dot check? Outstanding. What is a dot on wages check? Outstanding wages. What am I supposed to do? Plus or minus? Plus outstanding wages. Ye bhi dene baki hai. Kitne? 1000. So 14 plus 1 gives me what? 15,000. Did you get that? 14 plus 1, 15. So aapke actually wages dene kitne the saal ke? 15. Lekin aapne pay kitne kiye the? 14 record dene ki 15. Incurred expense. Okay? Kaam kitne ka hua hai? Wo expense. Pay to aap bilkul na karo. 15,000 ka kaam ho gaya, ek bhi rupya na do. Next year dunga. To kya record hi nahi karoge? करना पड़ेगा. नहीं करोगे तो प्रॉफिट कंपेरेबल नहीं रहेगा आपका. और मैं दूसरा इफेक्ट दे रहा हूं कि एक ही दे रहा हूं अभी फिलहाल, एक ही दे रहा हूं, डॉट वाला दे रहा हूं, दूसरा वाला बाकी है. आई गिव इट एट द एंड. किसी को लग रहा है अभी दूसरा दे देना चाहिए तो दूसरा दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. ठीक है, आप एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होने चाहिए, पहले दो बाद में दो आपकी मर्जी, कभी भी दे दो. ओके. नेक्स्ट वन इंश्योरेंस. वेयर डू पुट इंश्योरेंस? PNL debit. Insurance is PNL debit. 2000. Inner or outer call? Why? What is the dot? What is the adjustment check?
प्रीपेड प्लस करना है कि माइनस? माइनस, क्योंकि ये साल को बिलोंग नहीं करता। आपको एक्चुअली 1500 ही पे करना था, लेकिन आपने तो एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो हटाइए, इस साल से रिमूव कर दीजिए उसको। क्लियर? सेकेंड इफेक्ट इज एसेट, मैं बाद में दूंगा। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है? इनकम है, तो सेल्स को छोड़ के सारी की सारी इनकम कहां दिखती है? पीएनएल क्रेडिट, वो तो बहुत इजी है, एक ही इनकम ऊपर जाती है ना। व्हाट इज दैट वन सिंगल इनकम? सेल्स, दैट्स इट्स इन ट्रेडिंग, रेस्ट ऑफ पार्ट ऑल द इनकम सेट इन पीएनएल। पोस्टेज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट, ऑफिस का खर्चा, टू पोस्टेज 800 रुपया। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, इट इज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, बट इनर और आउटर? आउटर। 60,000 आर डेटर्स एंड लीव सम 2-3 लाइंस आफ्टर कैपिटल एज यूजुअल हैबिट डाल दो। क्रेडिटर्स आर 64,000 इन द आउटर पार्ट। Creditors are 64,000 out of that. All right. Furniture. What is furniture? Asset. Any dot on furniture? Please check. Which? Nahi hai? Furniture. Machinery. Furniture pe hai kya? Nahi. Machine pe. फर्नीचर पे कुछ नहीं है। आउटर कॉलम, कैश इन हैंड इज व्हाट? एसेट। कैश इन हैंड इज एसेट। इनर और आउटर? आउटर कॉलम 10,000। मशीनरी इज ऑल्सो व्हाट? बट इनर और आउटर? इनर। व्हाई? व्हाट इज द डॉट? चेक डेप्री। तो क्या करूं, 80 - 5% है ना, तो 4,000 कर देते हैं। Will you subtract 4,000? 5% के हिसाब से, 5% के हिसाब से तो 4 होता है। ये नोट बना लेना। क्या इन्फो दिया है आगे कि इसमें से 20,000 का मशीन आपने 110 को लिया हो, दिख रहा है आपको? तो वो बोल रहे हैं आपको कि आपके पास एक मशीन नहीं है, दो मशीन। आउट ऑफ 80, वन मशीन इज ऑफ 60 एंड द अदर मशीन इज ऑफ 20। यू गेट दैट? And that 20 wala you have purchased on 110, 1st October. So on this 20 wala you are supposed to calculate depreciation, but only for 6 months. And on 60 wala to wo kuch nahi diya, to wo shuruaat se hi hai, 12 mahina. So ye 3000, ye 500, total kitna depreciation hai? So idhar less depreciation. But how much should I subtract, 4000 or 3500? 3500. I will subtract, but only 3,500. I will subtract, but only 3,500. Okay? 80 minus 3,500 will give me 76,500 in the outer coin. 76,500 is the WD. Okay? बैलेंस शीट के नीचे ये नोट बना लेना, बहुत ही नोट। ऑलराइट, रेंट एंड टैक्सेस, वेयर डू यू पुट रेंट एंड टैक्सेस? डेप्रिसिएशन अकाउंट। सॉरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्री का दूसरा इफेक्ट देखिए ना, बाद अभी डॉट वाला देते हैं। सबका दूसरा बाकी है, एंड में वापस करेंगे। रेंट एंड टैक्सेस, व्हाट आर रेंट एंड टैक्सेस? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट? पीएनएल डेबिट 6,000। Printing and stationery 2,000, that is again an indirect expense, so P&L debit. To printing and stationery, that is 2,000. And bank overdraft, where do you put bank overdraft? Liabilities. Current liability is short term, but liability. Okay, value credit mein diyo. All incomes and liabilities on the credit side, 7,400. That completes your trial balance. क्या करो, टैली करो? एडजस्टमेंट्स, वापस सारे के सारे एडजस्टमेंट्स को करना है वापस, और चेक करना है
दो इफेक्ट हुआ है, एक हुआ है, कुछ बाकी है, उसको चेक कर, दोनों बाकी है दोनों दे दो, एक बाकी है एक दो दो, एक भी नहीं है तो उसको कट कर दो, ओके वापस सारे एडजस्टमेंट्स दे, हो गया यहां तक। क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहला वाला, विच वैल्यू एम आई सपोज टू कंसिडर, 40,000 और 45,000, 40 ऑलवेज कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस कम वन ड्यू टू कंजर्वेटिज्म, सो बाय क्लोजिंग स्टॉक। एक इफेक्ट तो ट्रेडिंग क्रेडिट, ये तो अभी आ गया होगा शायद, पता है आपको ट्रेडिंग क्रेडिट का लॉजिक, परचेज से सब्ट्रैक्ट कर दो, सबका प्रीपेड हटा रहे हो, माइनस करने की जगह क्रेडिट में दिखा रहे हो। एंड व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट, एसेट में लिख दिया जाए क्लोजिंग स्टॉक 40,000, ट्रेडिंग क्रेडिट 40 एंड एसेट्स 40, क्लोजिंग स्टॉक। हाँ पूछ रहा कंपेयर करवा माटे એટલે આપણે લોઅર વેલ્યુ લેવાનું, એનો મતલબ શું છે આ 40 નું છે ફ્યુચર માં વેચીશ તો 45 માં વેચાશે, પ્રોફિટ જ થવાનું છે, નેવર શો પ્રોફિટ ઇન એડવાન્સ, જ્યારે વેચાશે ત્યારે ઓટોમેટિકલી પ્રોફિટ રેકોર્ડ થઈ જશે, નો નીડ ટુ શો પ્રોફિટ ઇન એડવાન્સ। Is it clear? हो गया दोनों इफेक्ट हो गया, टिक द फर्स्ट एडजस्टमेंट को टिक कर, सेकेंड वन डेप्रिशिएट मशीनरी, व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, वन इज ओवर योर लेस ये हो चुका है, दूसरा बाकी है, सो पीएनएल डेबिट में लिख दो टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना 3,500। अब हुआ दूसरा इफेक्ट, टिक करो, दिस इज द सेकेंड इफेक्ट, टिक इट आउट, टिक द सेकेंड एडजस्टमेंट। थर्ड वन सैलरीज एंड वेजेस आर आउटस्टैंडिंग, व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वन इफेक्ट इज ओवर हियर ऐड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस दैट इज ऑलरेडी बीन डन, सेकेंड वाला बाकी है लाइबिलिटीज में लिखना बाकी है तो लिख दो आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज 2,000 एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस आर 1,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग वेजेस दोनों का हो गया इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी एड एन लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग वेजेस एड एन लाइबिलिटी, पुट द टेक्स डन, पुट अ टिक ऑन द थर्ड एडजस्टमेंट, जिसके दो दो इफेक्ट हो गए टिक करते जाओ। The last one is insurance is prepaid. Tell me the two effects of prepaid insurance. Minus. One effect is minus from insurance. And assets. Assets mein likh do prepaid insurance. Prepaid insurance. 500. Asset. Filhal expense kata asset. Badi gaya. Barabar. Ho gaya effect. Tick karo. Chautha adjustment bhi ho gaya. Aur kuch bacha hai sab mein? All finished. Now you can calculate your profits and losses. So push all the items in the outer column first. Don't forget to do this. Okay. Just 3,06,000. 3,06,000 aaya. 1,98,000. ये करना मत, खा जाना, भूलना मत ये. 87,000. और ना सब गलत profit आएगा. Profit आ रहा ना? हाँ. Total is I think 3,46,000. 3,46,000 is the total. 3,46,000 का टोटल है, व्हाट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट, पक्का ना तुम्हारे भरोसे 87,200 ग्रॉस प्रॉफिट बीडी के सीडी इधर ट्रेडिंग बंद हुआ और कहां जाएगा ट्रेड, पीएनएल में क्या लिखने का, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, ट्रेडिंग का जो नेट था नेट स्क्वीज्ड ट्रेडिंग अकाउंट इज नाउ अ पार्ट ऑफ पीएनएल, दिस इज छोटू सा ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का नेट इफेक्ट, ऑल इनकम्स माइनस ऑल एक्सपेंसेस ऑफ ट्रेडिंग, कूल, हाउ डू यू शट पीएनएल द सेम वे, check which side of PNL is greater.
Which side of profit and loss is bigger? Credit side. Achha, what is its gross margin of the business? 40%. 40%? More than 40? Right? No. Minus the debits. Right. Sir, 48, 23, 7. Exact. Minus kya? 13,400, 39,400, 39,400, 15,700, 21,700, 23,700, 26,700, 27,200. 60,600. As a percentage of 3 lakh 6, is adding around 20%. Good or bad? Good. 20% net profit is good. 15, 16, 18, 20, 20, sab achha hai. This is 2 net profit. BD ke seed. Seed. Where do you transfer this net profit? Who does it belong to? Owner. Net profit. Kitna hai? 60,000. अभी यहाँ पे गौर कीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट रेशियो. कैपिटल 90,000 था बिजनेस में स्टार्टिंग में, और बंदे ने उसमें 60,000 का प्रॉफिट कमाया. 66% का रिटर्न. आर ओ सी ई बताया ना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. आर ओ सी ई, गुड और बैड? वेरी गुड. वेरी गुड. मेरे को ऐसा बिजनेस मिल जाए तो कुछ करने का. सॉरी वेरी गुड, राइट? डैम गुड. सो व्हाट्स योर आउटर कॉलम वैल्यू? 1,47,600. 1,47,600. एंड लेट्स टैली द बैलेंस शीट. 147 खाली लायबिलिटी का कर देते, दोनों साइड लेते हैं, ऐसा तो राइट ही होगा. ऐसा नहीं होता है, दोनों साइड चेक करना है. हो रहा है टैली? 95 सब चेक होता है. एक एक फिगर चेक होगा अंदर का भी. उनको पता है स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ झोल करते हैं सब चीज. एवरी पोस्टिंग शुड बी राइट. टैलिंग तो क्या है, आगे वाले से छाप लेगा तू. पूरा सम छापना इज अ डिफिकल्ट टास्क. नाउ सम न्यू एडजस्टमेंट्स. लिसन, टिल नाउ व्हाट एडजस्टमेंट्स वी हैव लर्न, टेल मी. क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट, पी एंड एल डेबिट इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड माइनस फ्रॉम एसेट. टेल मी अप्रिसिएशन का दो इफेक्ट, एड टू रिस्पेक्टिव एसेट एंड पी एंड एल क्रेडिट. कभी भी अटक गए इफेक्ट में एंट्री फ्रेम कर दो. जर्नल एंट्री इज इक्वल टू इफेक्ट. इज इट क्लियर? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का दो इफेक्ट. आउटस्टैंडिंग Added expense and liability. That is outstanding. Prepaid expense ka do. Subtract from expense and asset. Doesn't belong to this. Jaise outstanding expense or prepaid expense hota hai, वैसे ही outstanding income and pre-received income होती है. जैसे outstanding expense होता है वैसे outstanding income भी तो हो सकती है. थॉट आया दिमाग में? जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है वैसे आउटस्टैंडिंग इनकम उल्टू. मतलब ये क्या है, देना बाकी है, वो क्या है मिलनी बाकी है. मैंने ये साल काम किया है, आपको फीस देनी बाकी है.
सपोज मुझे फीस मिलनी बाकी है, सो दैट बिकम्स माय आउटस्टैंडिंग इनकम. नाउ दैट इनकम बिलोंग्स टू दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर. दिस ईयर इज आई हैव डन द वर्क दिस ईयर, सो आई हैव अर्नड इट बट नॉट येट रिसीव्ड. यू गेट दैट? What is outstanding expense? You have incurred it, but not yet paid. So what are outstanding incomes? You have earned them, but you have not yet received. So the income belongs to this year. पैसे अभी तक आए नहीं है. अच्छा मुझे बताओ outstanding expense की journal entry क्या होती है? एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. तो आउटस्टैंडिंग इनकम की क्या एंट्री? आउटस्टैंडिंग इनकम टू इनकम. कॉमन सेंस. इनकम को बढ़ाएगा और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या था? लाइबिलिटी. तो आउटस्टैंडिंग इनकम क्या है? एसेट. इसका दूसरा नाम है इनकम रिसीवेबल. इसको इनकम रिसीवेबल भी कहा जाता है. निकालो पेज 110 111 आई थिंक. नाउ पेज 111 एडजस्टमेंट नंबर 6. एडजस्टमेंट नंबर 6 21 ही है. प्रैक्टिकली तो इनफाइनाइट होता है, जितने एंट्रीज उतने. देखो रट्टा वट्टा मत मारो, समझ के करो. एडजस्टमेंट मतलब क्या? कोई भी एंट्री तुम ऐसे सोचो 21 जर्नल एंट्री होगा. 21 जनरल एंट्री मतलब क्या ही बड़ी बात? कुछ ही. सुनो, एडजस्टमेंट्स आर नथिंग बट अनरिकॉर्डेड एंट्रीज. इनकम रिसीवेबल का मतलब क्या है? मिलना बाकी है. इट इज इनकम अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड. व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर दैट? इनकम रिसीवेबल टू इनकम. आउटस्टैंडिंग इनकम टू इनकम. समझा? व्हाट इज आउटस्टैंडिंग इनकम? एसेट और लाइबिलिटी? एसेट. मिलना बाकी है. एसेट बढ़ा तो डेबिट, और इनकम बढ़ी तो क्रेडिट. तो मैं इनकम में ऐड कर दूंगा और कहां निकालूंगा? एसेट, क्योंकि मिलना बाकी. सो आउटस्टैंडिंग इनकम. एसेट बढ़ा, इनकम बढ़ा. एसेट बढ़ा, इनकम बढ़ा. ऐड टू इनकम. व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? एसेट. इनकम में ऐड हुआ कि लेस? यू कैन रिलेट इट टू वन मोर आउटस्टैंडिंग इनकम विच यू आर डूइंग सिंस फर्स्ट चैप्टर. विच सेल्स? क्रेडिट सेल्स. व्हाट इज द एंट्री फॉर क्रेडिट सेल्स? Debtor to sales. पैसा मिलना. सेल्स इज योर इनकम. डेटर टू सेल्स आउटस्टैंडिंग इनकम टू इनकम. डेटर टू सेल्स आउटस्टैंडिंग इनकम टू इनकम. सेल्स इज इनकम, इनकम इज इनकम. बराबर. एंड डेटर्स आर एसेट, आउटस्टैंडिंग इनकम इज एसेट. पैसा लेना. रेंट रिसीवेबल है तो रेंट का पैसा लेना बाकी है. कमीशन रिसीवेबल है, कमीशन का पैसा लेना बाकी है. इंटरेस्ट रिसीवेबल है, इंटरेस्ट का पैसा लेना बाकी है. सेल्स क्रेडिट पे हुआ है तो डेटर्स का पैसा लेना बाकी. सेल्स का पैसा लेना बाकी. बात तो वही हुई, समझ आ रहा है? तो सेल्स इनकम एंड डेटर्स एसेट एंड आउटस्टैंडिंग इनकम एड टू इनकम एंड एसेट. पैसा लेना बाकी. समझ आया? बड़ा समझा ये वाला. नेक्स्ट एडजस्टमेंट, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस था अभी आपने सीखा. प्रीपेड एक्सपेंस, व्हाट आर प्रीपेड एक्सपेंस? हद से ज्यादा पे कर दिया. प्रीपेड इंश्योरेंस, व्हाट आर द टू इफेक्ट्स? माइनस फ्रॉम एक्सपेंस, हिसाब से हटाओ एंड कन्वर्ट कर दो एसेट में. बराबर है? वैसे ही होता है उसका कजिन ब्रदर. प्री रिसीव्ड इनकम. प्री रिसीव्ड इनकम. प्री पेड इनकम नहीं होती है, प्री रिसीव्ड इनकम. आपने मुझे नेक्स्ट ईयर की फीस अभी दे दी, दैट इज माय प्री रिसीव्ड इनकम. कॉम्बो, दैट इज माय प्री रिसीव्ड इनकम. दैट्स माय प्री रिसीव्ड इनकम. इज दैट इनकम ऑफ करंट ईयर? दैट्स एन इनकम ऑफ नेक्स्ट. व्हाट एम आई सपोज टू डू विद दैट? एम आई सपोज टू शो द एंटायर इनकम इन द करंट ईयर? नो. तो जो नेक्स्ट ईयर की उसको मैं क्या करूंगा? हटा दूंगा. जैसे एक्सपेंस को हटाया वैसे इनकम को हटाओ. एंड फॉर मी इज इट एन एसेट और ए लायबिलिटी? इट्स अ लायबिलिटी. उस पैसे आ गए लेकिन काम करना बाकी है, ऑब्लिगेशन बाकी है. समझ में आया? सो एडवांस इनकम आ गया तो घर पे लेके भागो, ऐसा नहीं है. एडवांस इनकम इज नॉट योर एसेट. एडवांस इनकम इज योर रिसीवेबल. इनकम इज योर एसेट. समझ में आ रहा है? तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या कर देते हम?
प्रीपेड एक्सपेंस की जर्नल एंट्री क्या होती थी? प्रीपेड एक्सपेंस की जर्नल एंट्री प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, तो इसकी क्या हो? इनकम टू प्री रिसीव्ड इनकम, इनकम टू प्री रिसीव्ड इनकम, मतलब इनकम डेबिट हो रही है तो बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। आपको ये साल कमाने का था, समझो आपका इनकम था 5 लाख और आपको पैसे मिल गए 6 लाख, 1 लाख डेबिट, तो क्या 6 लाख इनकम दिखा दोगे? 6 लाख में से क्या करोगे? 1 लाख माइनस करोगे, तो इनकम कम होगी। इनकम डेबिट टू प्री रिसीव, उसको किसमें कन्वर्ट कर दोगे? लाइबिलिटी। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस क्या ना, एक्सपेंस घटाया एसेट बढ़ाया, वैसे इनकम घटाया लाइबिलिटी बढ़ाया, लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट है, इनकम घटी तो डेबिट है। इनकम टू प्री रिसीव इनकम करना आया। व्हाट इज द लॉजिक ऑफ प्री रिसीव इनकम? इस साल की इनकम है कि नहीं? नहीं, फिर भी पैसे ज्यादा आ गए तो क्या रख ले? नहीं, हटाओ, इस साल में से हटाओ और क्या कन्वर्ट कर दो उसको, किसमें कन्वर्ट कर दो? लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी नेक्स्ट ईयर की क्या बन जाएगी? इनकम। ये लाइबिलिटी नेक्स्ट ईयर की इनकम, जैसे वो एसेट नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस, ये लाइबिलिटी नेक्स्ट ईयर की इनकम। वंस अगेन आई रिपीट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का दो इफेक्ट क्या होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एड और सब्ट्रैक्ट, एड टू एक्सपेंस एंड लाइबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंस माइनस फ्रॉम एक्सपेंस एंड एसेट्स, इनकम रिसीवेबल add to income belongs to this year and asset. Income receivable is like debtor, पैसा लेना बाकी asset. Income received in advance ज्यादा मिल गई है, हटाइए income से subtract and liability. Once again, outstanding expense add to expense and liability, prepaid expense ज्यादा मिल गया, माइनस फ्रॉम एक्सपेंस एंड एसेट, प्रीपेड इज एन एसेट, बेनिफिट लेना बाकी। इनकम रिसीवेबल बिलोंग्स टू दिस ईयर, पैसे लेने बाकी, इनकम रिसीवेबल इस साल की है, एड टू इनकम एंड एसेट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ज्यादा आ गई है, माइनस फ्रॉम इनकम एंड लाइबिलिटी, माइनस फ्रॉम इनकम एंड लाइबिलिटी। ऑल फोर आर क्लियर? कॉमन सेंस का यूज करो, इस साल को बिलोंग करता है तो ऐड करो, इस साल को बिलोंग नहीं करता है तो माइनस। एसेट लाइबिलिटी अपने आप बैठ जाएगा। व्हाट आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? देना बाकी है तो लाइबिलिटी, प्रीपेड मतलब ज्यादा दे दिया, बेनिफिट मिलना बाकी है एसेट। इनकम रिसीवेबल नाम में ही रिसीवेबल है, मिलना बाकी है एसेट। इनकम रिसीव इन एडवांस ज्यादा आ गया है, बेनिफिट देना बाकी, दैट्स योर लाइबिलिटी। बिल्स रिसीवेबल है ना, दे आर लाइक डेटर्स, वो भी एक तरह का इनकम रिसीवेबल है बट सेल्स का। जैसे डेटर कैसे सेल्स का रिसीवेबल, जैसे बीआरबी सेल्स का रिसीवेबल। और इनकम रिसीवेबल मतलब कोई भी इनकम, रेंट रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, तुम्हारा दूसरा कोई यही तीन रहता है, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन रिसीवेबल, और कोई दूसरा ब्रोकरेज रिसीवेबल होता है, ब्रोकरेज रिसीवेबल, सुनो अभी। इसमें ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप जो टैक्सेस भरते हो ना वो किस पे भरते हो? प्रॉफिट पे भरते। तो आपका प्रॉफिट कैसे डिटरमाइन होता है? इनकम माइनस एक्सपेंस। तो मैं अगर नेक्स्ट ईयर की इनकम भी ये साल में दिखा दू तो मैं बुद्धू, क्योंकि मेरी इनकम क्या है, ज्यादा दिखेगी और मेरे को टैक्सेस भी ज्यादा भरने पड़ेंगे। लेकिन मैं अगर नेक्स्ट ईयर की इनकम हटा दूं यहां से तो ये साल की इनकम कम हो जाएगी, तो टैक्सेस भी, तो जो ये साल अर्न किया है उसमें ही आपको टैक्सेस भरना है। नेक्स्ट ईयर के भले पैसे आ गए उसका मतलब ये नहीं कि उसमें आपको टैक्सेस भरना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड? हेलो ना, अरे भाई मेरे इस साल कम किए, नेक्स्ट ईयर भी क्या है, इनकम है ना, नेक्स्ट ईयर तो भरना है ना, ये साल नहीं बट नेक्स्ट ईयर तो भरने पड़ेंगे। मैं बोल रहा हूँ इस साल की भी इनकम कम कर देंगे ना, वो दिखाएंगे तो कम। अरे इस साल कम करेंगे किससे? रिसीव्ड इन एडवांस से ना। नहीं मैं बोल रहा हूँ ये रिसीव वाला हटा दिया, फिर टैक्स भरने के लिए ये इनकम भी कम कर करते हैं। कैसे करोगे? डॉक्यूमेंट्स है, प्रूफ है। हाँ कैश में किया तो फिर अलग बात है, कैश वाला दिखता ही नहीं है, ऐसे दिखाना चाहिए, दिखाते नहीं। सॉरी कैश पर इनकम देखा हुआ नहीं होता, देखा नहीं, अलग बात।
चलो अभी देखो सम नंबर 12th sum. From the following trial balance of Sunny Saraf, you are required to make trading P&L and balance sheet. Last sum for the day. Capital. Page 122, sum number 12. Sunny Saraf, bhaiya. Dekho, capital. What is capital? Liabilities. Mila? Mark fast. Sum number 12, page 122. Capital is a liability. Drawings minus from capital. Oh, stop on 1409. It is 1408. Please make that correction. Stop on 1408 kar do 8. 1409 to next year ka ho gaya. 1408 ho. So which stock? Trading debit. Opening stock. Kahan se tapka? Last year का closing stock becomes this year का opening stock. Purchase and sales. Purchase are TD. And sales are TC. Trading credit. Bills receivable and bills payable. Bills receivable are asset. Bills payable are liability. Amount समझ आ रहा है? Which one is which one? Yes. Debit वाला is asset. Credit वाला is liability. Returns वाला वो वापस आया returns. Minus sales minus purchase. Very good. Debit वाला is sales return. Credit वाला is purchase return. So debit वाला minus from sales, credit वाला minus from purchase. समझाइए? Any confusion? Next one. Asset. Plant and machinery is asset. Goodwill asset. Loose tools asset. Cash in hand asset. Cash at bank asset. Furniture asset. Sundry debtors and creditors assets and liabilities. कमीशन ध्यान से पढ़ो, मुझे बताओ कौन सा कमीशन? पीएनएल डेबिट की पीएनएल क्रेडिट 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 बैलेंस व्हाई इट्स गिवन ऑन द क्रेडिट साइड. इफ इट इज गिवन ऑन द क्रेडिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में वो क्रेडिट में दिया हुआ है, मतलब वो क्या है? रिसीव्ड है कि पेड है? रिसीव्ड है. इनकम होती है तो क्रेडिट पे, एक्सपेंस होता है तो डेबिट पे. क्वेश्चन में पढ़ो देखा 28,000 ऑन द क्रेडिट साइड, तो वो पेड की रिसीव्ड है. सो पीएनएल क्रेडिट अर्न्ड इनकम. समझ आया? पेड नहीं है, रिसीव्ड है. रिसीव्ड डेबिट में हो रहा है पीएनएल डेबिट. सैलरीज पीएनएल डेबिट ऑब्वियसली. वेजेस ट्रेडिंग डेबिट डायरेक्ट एक्सपेंस. ऑफिस एक्सपेंसेस पीएनएल डेबिट. इंश्योरेंस पीएनएल डेबिट इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रीमियम. एडवर्टाइजमेंट, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पढ़ोगे, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पीएनएल डेबिट पक्का. वो बताया आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस. अभी आगे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है. 3 years विद इफेक्ट फ्रॉम 1/12/2008 दैट्स कॉल्ड एज अ हिडन एडजस्टमेंट. इसको क्या बोलते हैं? हिडन एडजस्टमेंट. ये पहली बार आपके सामने आया. नॉर्मल एडजस्टमेंट नीचे की तरफ होते हैं ट्रायल बैलेंस के बाद. जो ऊपर मसाला फॉर्म में दिया है ना कुछ एडिशनल इन्फो, उसको बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट. उसका क्या करना है मैं बताऊंगा. जनरल एक्सपेंसेस पीएनएल. जनरल वाला तो गोसैम रूल किसके लिए यूज करना है? ट्रेड एक्सपेंस. ये गोसैम वाले तो पांचों के पांचों पीएनएल में ही. ट्रेड एक्सपेंस आया तो गोसैम देखने, वरना तो अपना नॉर्मल माल. जनरल एक्सपेंसेस पीएनएल डेबिट. फैक्ट्री रेंट ट्रेडिंग शॉर्टेड. यहां तक क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 1,20,000. फैक्ट्री रेंट इज ट्रेडिंग डेबिट प्रोडक्शन. Closing stock is 1,20,000. What are the closing? Trading credit and asset. TC/A. Depreciate plant and machinery by 5% and loose tools by 15%. What are the two effects of depreciation? Expense minus asset. Depreciation. Asset बढ़ेगा कि घटेगा? Asset घटेगा. घटेगा तो minus from asset. P&L debit. Minus from asset and P&L. Minus from machine. Minus from tools and PLD. माइनस फ्रॉम मशीन माइनस फ्रॉम टूल्स एंड पी एल डी. बोलो क्या डाउट है? सर यहाँ पे एसेट में माइनस होगा या फिर प्लस होगा फर्स्ट वाले में क्लोजिंग स्टॉक में? कुछ नहीं है वो, प्लस माइनस का होता है, दोनों अलग ही तो लिखा है. बाय क्लोजिंग स्टॉक बट TC/A ऊपर भी दिया है ना एक क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री, वो ओपनिंग स्टॉक है 1408. बोलो भाई. WDFA
विथ इफेक्ट फ्रॉम आ रहा हूँ उस पर रिटर्न डब्ल्यू ई एफ इज विथ इफेक्ट फ्रॉम सो डेप्रिसिएशन व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन माइनस फ्रॉम रेस्पेक्टिव एसेट्स एंड पी एन एल डेबिट पी एन एल डेबिट में एड करने के लिए मतलब डायरेक्टली लिखना है टू डेप्रिसिएशन अभी लिखना ना वैसे सेम है किया दो एडजस्टमेंट्स के लिए पहले दो तीसरा आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड ऑफिस एक्सपेंस मतलब दोनों आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं एड टू एक्सपेंस एंड लाइबिलिटी की एसेट लाइबिलिटी देना बाकी लिखो उधर प्लस सैलरी प्लस ऑफिस एक्सपेंस एंड एल एल प्लस सैलरी प्लस ऑफिस एक्सपेंस एंड एल एल इंश्योरेंस 1000 वॉज प्रीपेड ज्यादा पे कर दिया माइनस फ्रॉम इंश्योरेंस एंड एसेट माइनस आई एन एस एंड एसेट ए माइनस आई एन एस एंड ए इंश्योरेंस माइनस एंड एसेट कमीशन ऑफ 3000 वेर रिसीव्ड इन एडवांस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस देखो ऊपर कमीशन कितना लिखा है 28 क्या 28 कमाया है आपने नहीं कमाया कितना है 25 मिल गया 28 तो क्या करोगे 3000 माइनस हटाओ जैसे ये प्रीपेड हटाया वैसे प्री रिसीव हटाओ माइनस फ्रॉम इनकम दैट्स वन इफेक्ट माइनस फ्रॉम कमीशन एंड लायबिलिटी ऑब्लिगेशन काम करना बाकी दैट्स योर लायबिलिटी सो माइनस फ्रॉम इनकम एंड लायबिलिटी प्रीपेड एक्सपेंस माइनस फ्रॉम एक्सपेंस एसेट प्री रिसीव्ड इनकम माइनस फ्रॉम इनकम एंड लायबिलिटी प्लस माइनस का फंडा सेम है प्रीपेड प्री रिसीव एसेट लायबिलिटी का उल्टा व्हाट इज एडवांस इनकम इज अ लायबिलिटी लिखा माइनस फ्रॉम कमीशन एंड लायबिलिटी एल एफ वाला है ना एफ वाला उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट अभी आपने रेक्टिफिकेशन चैप्टर किया हुआ है ये कुछ भी दे सकते हैं आपको देखो यहां पे क्या दिया है परचेज इंक्लूडेड 5000 परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन 31st मार्च तो आपने खरीदा है फर्नीचर लेकिन घुसा दिया परचेज में यहां पे किसका परचेज होना चाहिए गुड्स का लेकिन आपने फर्नीचर डाल दिया तो क्या करोगे यहां से बताओ माइनस फ्रॉम परचेज एंड एड टू फर्नीचर माइनस फ्रॉम परचेज एंड एड टू फर्नीचर तो लिख दो उधर माइनस फ्रॉम परचेज एंड एड टू फर्नीचर ना 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 परचेज लेस रिटर्न उसके बाद माइनस ओके लिखा इफेक्ट अभी देयर इज वन हिडन एडजस्टमेंट व्हाट इज दैट एडवर्टाइज ध्यान से समझो इसको नहीं कट इट कट आई डू नॉट नेक्स्ट पेज वाला कट कर देखो अभी ध्यान से परचेज इंक्लूडेड वो दैट इज द लास्ट वन अभी देखो मेरा बात सुनो हिडन एडजस्टमेंट व्हाट इज दैट हिडन एडजस्टमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 इयर्स WEF 1/12/2008 दिख रहा है आपको एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 इयर्स WEF 1/12/2008 बोर्ड पे देखो एडवर्टाइजमेंट 3 इयर्स WEF 1/12/08 इसका मीनिंग क्या हुआ आपने जो एडवर्टाइजमेंट पे किया है ना उधर 9000 वो एक साल का नहीं है दो साल का नहीं है वो पूरे 3 साल का पे कर दिया कितने साल का पे कर दिया है 3 साल का पे कर दिया है ओके और WEF 1/12/08 का मतलब इट स्टार्टेड फ्रॉम 1/12/08 इस साल में आपने जो कॉन्ट्रैक्ट एडवर्टाइजमेंट दिखाने का स्टार्ट किया है वो कब से स्टार्ट किया 1/12/08 से तो आइडियली इस साल में आपने कितना महीना एडवर्टाइजमेंट यूज किया चार महीना जो 1 दिसंबर को स्टार्ट हुआ इससे पहले एडवर्टाइजमेंट था ही नहीं इस साल 1 दिसंबर को स्टार्ट हुआ तो दिसंबर जैन फेब मार्च आइडियली आपको कितने महीने का खर्चा करना था चार ही महीने का करना था लेकिन पप्पा के पास तो बहुत ज्यादा पैसा है करना था 4 महीने का आपने कर दिया 3 साल का 4 ही महीने का पे करना था लेकिन कर दिया 3 इयर्स का ले भाई अगले साल का भी ले उससे अगले साल का भी तो उसके अगले साल का भी तो 3 साल का पे कर दिया आपने सो 3 साल अगर 9000 है तो 1 साल का कितना होगा 3000 लेकिन अपने को तो 1 साल का भी नहीं चाहिए अपने को तो 4 महीने का चाहिए तो 4 महीने का कितना रहेगा 1000 इसका भी 1/3 रहेगा दैट इज 1000 सो बोलने का मतलब आउट ऑफ
9000 आउट ऑफ 9000 दैट यू आर पेड करंट ईयर में यूज कितना हुआ है 1000 उतना ही पे करना था लेकिन 8000 रुपए आपने क्या कर दिया एक्स्ट्रा पे कर दिया उसको क्या बोलोगे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट दिस इज योर एडजस्टमेंट इसके लिए मैंने इसको नाम क्या दिया दिस इज कॉल्ड एज अ हिडन एडजस्टमेंट हिडन एडजस्टमेंट है ना दो प्रकार के हो सकते हैं हिडन एडजस्टमेंट आपके दो प्रकार के हो सकते हैं एक होता है टाइम रिलेटेड एडजस्टमेंट जैसे कि ये था टाइम पीरियड एक साल से ज्यादा या एक साल से कम एक साल से ज्यादा है तो ऑब्वियसली प्रीपेड है और एक साल से कम होता तो एक साल का पे करना था 10 महीने का पे करना आउटस्टैंडिंग तो वन हिडन एडजस्टमेंट इज टाइम पीरियड रिलेटेड दूसरा होता है परसेंटेज रिलेटेड परसेंटेज वाला हम आगे सीखेंगे लोन्स वगैरह पे आएगा फिलहाल ये टाइम पीरियड वाला समझ आ रहा है टाइम पीरियड वाले में क्या होगा कोई एक्सपेंस या कोई इनकम 12 महीने से ज्यादा हो सकता है या 12 महीने से कम 12 महीने से ज्यादा है तो प्रीपेड ढूंढो 12 महीने से कम है तो आउटस्टैंडिंग नॉर्मली है ना आपको ये नीचे दिया रहता है ना प्रीपेड इंश्योरेंस 500 प्रीपेड इंश्योरेंस 1000 सीधा आप इफेक्ट दे देते हो यहां पे आपने ढूंढा कैसे ढूंढा समझना है बताओ कैसे ढूंढा व्हेन डिड आई स्टार्ट यूजिंग एडवर्टाइजमेंट वन ईयर डिसंबर जैन फेब मार्च हाउ मेनी मंथ्स फॉल इन द करेंट ईयर 4 मंथ्स तो एक्चुअली तो मुझे कितने टाइम का पे करना था 4 लेकिन पापा के पास तो कब तक का पे कर दिया 3 साल का पे कर दिया तो 3 years का इट इज 9000 तो 1 year का इट इज 3000 सो 3 months का इट इज सॉरी 4 months का इट इज 1000 सो आउट ऑफ दिस 9 इज 1000 प्रीपेड और 8000 प्रीपेड 8000 इज प्रीपेड नॉट 1 बट 8 तो व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट माइनस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट इस सालों में लोग निकल रहा हो एंड तो 9 में से इधर तो 9 लिखोगे इनर कॉलम 9 में से माइनस कितना होगा 8 9 - 8 1 व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट एसेट एसेट में नाम क्या है प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट इज प्रीपेड इंश्योरेंस इज प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट इज इट क्लियर शुरुआत करते हैं डॉट्स दे रहा है मशीनरी पे 1 डॉट टूल्स पे 1 डॉट मशीनरी 1 डॉट टूल्स 1 डॉट Salaries 1 dot, salaries 1 dot, office expenses 1 dot, salaries 1, office expenses 1, insurance 1 dot, salaries 1, office expenses 1, insurance 1 dot, commission 1 dot, received all our commission 1 dot, purchase 1 dot, furniture 1 dot, purchase 1 dot. फर्नीचर वन यहां तक किया उसके बाद हिडन पे यस एडवर्टाइजमेंट 1 डॉट व्हाई एडवर्टाइजमेंट 1 डॉट हिडन हिडन का मतलब नीचे नहीं दिया है ऊपर घुसा पड़ा है आपने ढूंढना है वो एडजस्टमेंट और फिर उसके इफेक्ट कितने ट्रायल बैलेंस में छुपके बैठा है वो हिडन है हिडन उसको ढूंढो और इफेक्ट दो वो ढूंढने का तरीका आसान ही रहता है इंफॉर्मेशन से पता चल जाता है आराम कॉमन सेंस हो यही अगर एडवर्टाइजमेंट समझो 3 years की जगह 10 months दिया होता 10 months तो क्या होता 10 months का 3000 आइडियली कितने महीने का पे करना 1200 12 महीने का पे करना है आपने 10 months का पे किया तो 2 months का क्या हुआ आउटस्टैंडिंग 300-600 हो जाता आउटस्टैंडिंग तो या आउटस्टैंडिंग होगा या प्रीपेड 12 महीने से ज्यादा पे किया तो क्या होगा प्रीपेड और 12 से कम दैट इज टाइम पीरियड वाला चलो शुरू करते हैं फटाफट साथ में करते जाओ कुछ आइटम्स लिख लो पहले से तो ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस लेस रिटर्न्स बाय सेल्स लेस रिटर्न्स हाँ एंड कैपिटल लेस ड्रॉइंग फिर जो नहीं है उसको नील कर देना इसमें से मोस्टली तो हर एक समय ये आइटम होते ही
लेट्स बिगिन. व्हाट इज द ईयर एंड 31st मार्च 2009. बोलो पहला वाला. देखो कैपिटल, वेर डू पुट कैपिटल? एरर कॉलम 3 लाख. ड्रॉइंग्स 14,000 प्लस और माइनस ब्रैकेट्स. स्टॉक ऑन 1409 विद स्टॉक इनर और आउटर? आउटर. परचेज एंड सेल, परचेज पे डॉट है, दिख रहा है आपको? ध्यान से ना बेटा, परचेज पे डॉट है. परचेज कितना दिया है? 2,80,000. देखा डॉट क्या है परचेज पे? बताओ फर्नीचर का. लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ो क्या दिया है? परचेज इंक्लूड्स परचेज ऑफ फर्नीचर. क्या करूं? प्लस की माइनस हटाओ, इसके अंदर थोड़ी फर्नीचर होना चाहिए. तो क्या लिखने का? फर्नीचर परचेज. ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट. फर्नीचर परचेज 5,000. हटाओ डॉट वाला इफेक्ट तभी का तभी. सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट इनर और आउटर? इनर. 4,60,000. उसपे कोई डॉट नहीं है. बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल. बिल्स रिसीवेबल आर एसेट्स. एनी डॉट? यस और नो? चेक. सो स्ट्रेट एंड आउट कॉलम 30. बिल्स पेएबल, लीव 2-3 लाइंस एंड राइट डाउन बिल्स पेएबल. ए गुड डॉट आउटर कॉलम 40,000. इज इट क्लियर? Bills receivable and bills returns. Gammat. Which one is which one? Debit wala is? Sales return. Debit wala 5,000 mein sales se minus karega. And credit wala 4,500 purchase se minus karega. Yes or no? Be very, very alert in this. Purchase return less from purchase. Sales return less from sales. Okay? Yes, Devansh. Plant and machinery? Dot. Dot है? चेक करो सब लोग क्या है, कितना टका है? 5,000. अच्छा कुछ लास्ट सम के जैसा दिया है, बीच में कुछ मशीन खरीदा है, ऐसा कुछ नहीं है. तो स्ट्रेट 5% लेस डेप्रिसिएशन 5%. 5,000. आउटर कॉलम 95. गुडविल क्या है? एसेट. इनटैंजिबल एसेट. इनर और आउटर? आउटर कॉलम 25. लूज टूल्स भी क्या है? डॉट है लूज टूल्स पे. चेक करो कितना टका. 15% प्लस की माइनस डेप्री 15%. 15 का हो गया 3,000. बराबर है. कैश इन हैंड क्या है? एसेट है. आउटर कॉलम. देखो मैं कैसे कर रहा हूं, सम टेक्निक समझ में आ रही है? डॉट वाला इफेक्ट में तभी का तभी देखे भाग रहा हूं. सेकेंड इफेक्ट में दूंगा लेकिन बाद में, एंड में वापस आने वाले. डॉट वाला दो आगे बढ़ो, डॉट वाला दो आगे बढ़ो, आपका पेस एक रिदम में जाएगा. दूसरा इफेक्ट सब ढूंढ वाण के रिदम डाइवर्ट नहीं होगा. 10 सेकेंड में आराम से होगा. कैश एट बैंक क्या है? एसेट. दैट्स योर बैंक बैलेंस 10,000. फर्नीचर क्या है? डॉट है. ओ माय गॉड व्हाट इज द डॉट? क्या डॉट है फर्नीचर में? देखो ऐड करना होगा. क्या था फर्नीचर में डॉट? वो देखो रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट बताया ना मैंने. क्या था? गलती से आपने परचेज के अंदर फर्नीचर डाल दिया था, यहां से तो माइनस कर दिया, यहां पे क्या करोगे? ऐड कर दोगे. So add furniture included in purchase. 39,000. ये own words में लिख सकते हो. No hard and fast. 4,000. 5 है ना? 5. 75 + 5 = 80. उधर से माइनस इधर आए. Rectification adjustment. कुछ भी देगा तुमको, बोलेगा rent includes commission. Rent में commission डाल दिया, क्या करोगे?
रेंट से माइनस करो कमीशन में ऐड करो, उनको बोलेगा बिल्डिंग में फर्नीचर डाल दिया माइनस फ्रॉम बिल्डिंग ऐड टू फर्नीचर, उनको बोलेगा सेल्स में डिस्काउंट रिसीव डाल दिया माइनस फ्रॉम सेल्स एंड ऐड टू डिस्काउंट रिसीव, रेक्टिफिकेशन एड किसी भी गलत अकाउंट में कोई भी अकाउंट घुसा दे उधर से हटाओ सही वाले में डालो, समझाया। नेक्स्ट वन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, इज देयर एनी डॉट, सो इनर और आउटर कॉल, आउटर कॉल, दिस इज 125,000 डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर 130,000 बराबर, कमीशन इज इट रिसीव्ड और पेड, पहले वो सोचो पहले ये वाला कौन सा कमीशन रिसीव्ड है 28 पक्का कैसे पता चला, क्रेडिट में दिया है, डेबिट में होता तो एक्सपेंस होता, क्रेडिट में दिया है तो बाय कमीशन, एक लाइन छोड़ के बाय कमीशन 28 इनर कॉल, वहा इनर कॉल मोड़े दो क्या करो प्लस की माइनस पक्का, अरे ज्यादा मिला है ना तो ऐड हो माइनस 28 में, हाँ तीन ये साल का नहीं है हटाओ हटाओ, लेस प्री रिसीव्ड कमीशन, लेस प्री रिसीव्ड कमीशन, नहीं हटाओगे ना तो बुद्धू की तरह ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, भरो 28 है तो भरो 28 - 3 = 25, इस साल की इनकम नहीं है, इस साल के लिए वो लायबिलिटी है, इनकम कब बनेगी है नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर इनकम बनेगी, इस साल एडवांस आ गई, काम हुआ नहीं और इनकम आ गई तो एडवांस, वर्क पे रिकॉर्ड होता है वर्क, वर्क डन वर्क ऑन, वर्क डन उतना एक्सपेंस वर्क ऑन उतना इनकम, सैलरीज एनी डॉट ऑन सैलरीज, आउटस्टैंडिंग ओ माय गॉड पीएलडी वाला डॉट, सैलरीज 11 पे क्या डॉट है आउटस्टैंडिंग प्लस की माइनस, प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है देखो 1000 11 प्लस 1 हो गया 12, वेजेस ऊपर की तरफ ट्रेडिंग में टू वेजेस इनर और आउटर, वेजेस कुछ नहीं है पक्का, अरे वाह, ऑफिस एक्सपेंस इज पीएनएल डेबिट एनी डॉट चेक है क्या है, इनर कॉलम 5000 वेजेस 17000 में कितना लिखा 3.5 और ऑफिस एक्सपेंस 5 बराबर नहीं ऑफिस एक्सपेंस 3.5 बताओ क्या डॉट है ऑफिस एक्सपेंस पे, आउटस्टैंडिंग है प्लस की माइनस, प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस कितना है चेक करो, एडजस्टमेंट में 500 मिला, टोटल इनकर्ड आर 4000 एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वीआईपी एंट्री इन द फाइनल अकाउंट्स एडजस्टमेंट, cool, insurance, where do you put insurance, PLD, to insurance, minus PNL debit, इस पे भी dot है, minus prepaid insurance, minus prepaid insurance, इस साल को belong, नहीं करता, कितना है वो, one, 5 - 1 gives me, 4, मिला, प्रीपेड, उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट, अब वैसे तो एडवर्टाइजमेंट नॉर्मल था लेकिन इधर हिडन एडजस्टमेंट था, क्या था हिडन, क्या था हिडन, आउट ऑफ 9 ये देखो नोट बना है, आउट ऑफ 9 हाउ मच इज ऑफ करंट ईयर जस्ट 1000, 4 ही महीने का पे करना था काम हो जाता लेकिन नहीं खुजली थी तो हमने कितना पे कर दिया 3 साल का 5-6 महीने का भी 8 महीने का भी 3 साल का ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक, ओके सो 3 साल का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा आपने पे कर दिया तो उसमें 9 में से प्रीपेड कितना 8000 क्या वो ये साल को बिलोंग करता है नहीं करता तो हटाओ माइनस, तो माइनस प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, माइनस प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट हाउ मच 8, 9 - 8 विल बिकम 1 करंट ईयर का है, सेकेंड इफेक्ट देंगे बाद में देंगे, समझ आया ये, इसको हिडन क्यों बोलते हैं क्योंकि एंड में नहीं दिया, एंड में नहीं दिया ऊपर ट्रायल में घुसा पड़ा है इन्फॉर्मेशन फॉर्म में पड़ा है
वहां से मिल जाएगा, आगे भी आएंगे। जनरल एक्सपेंस कहाँ जाएगा? जनरल एक्सपेंसेस आर पी एन एल डेबिट एंड फैक्ट्री रेंट ट्रेडिंग डेबिट इज ट्रेडिंग डेबिट। सिक्स थाउजेंड एनी डॉट ऑन फैक्ट्री रेंट चेक है कुछ? ऑलराइट देन you go to the adjustments, first go to the normal adjustment, then you go to the hidden adjustment. Final account करने के तीन step, जैसे ledger के मैंने बताए थे तीन step क्या थे? Opening balance, posting, closing balance. Final accounts के तीन होते हैं, trial balance, normal adjustment, hidden adjustment. पहले trial balance, फिर normal, फिर hidden. Trial balance तो हो गया, अभी normal दे दो. Closing stock 1,20,000, एक भी effect दिया है? नहीं. दोनों देना बाकी है? By closing stock. एक इच वैल्यू दिया तो वो इच लिख देने की 1,20,000. सेकेंड इफेक्ट अरे सेकेंड इफेक्ट एसेट एक ट्रेडिंग क्रेडिट एक एसेट्स टिक 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 आराम से फुक फुक के करने का एडजस्टमेंट। अरे एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट आराम से खाई नहीं जो टैली नहीं होगा। क्लोजिंग स्टॉक दिया दो इफेक्ट ट्रेडिंग क्रेडिट एसेट्स डंडन डंडन हेलो ऑलराइट। उसके बाद डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी एंड लूज टूल्स व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। वन इफेक्ट इज योर लेस फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी एंड लूज टूल्स। व्हाट इज द सेकेंड इफेक्ट पीएनएल डेबिट टू डेप्रिसिएशन क्या दोनों डेप्रिशिएट तो किया तो है। प्लांट एंड मशीनरी का कितना है 5,000 और लूज टूल्स पे कितना है लूज टूल्स का है 3,000 ये हो गया 8 इज दैट राइट करेक्ट 5 और 3 8 इनर कॉलम सब टोटल 12 ऑलराइट हेलो कूल टिक 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 सेकेंड एडजस्टमेंट टिक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थर्ड वन आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस व्हाट आर द टू इफेक्ट्स। वन इफेक्ट इज हियर ऐड टू सैलरी एंड ऐड टू ऑफिस एक्सपेंस व्हाट इज द सेकेंड इफेक्ट ये वाला बाकी है आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस। सैलरी कितनी थी 1,000 ऑफिस एक्सपेंस 500। एक इफेक्ट हो गया था दूसरा इफेक्ट अभी दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस टिक 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 दोनों इफेक्ट हो गए टिक कीजिए टिक टपा। इंश्योरेंस इज प्रीपेड फोर्थ इंस्ट्रूमेंट टेल व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ प्रीपेड एक तो लेस करना था वो हो गया व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट एसेट एसेट वाला बाकी है तो दे दीजिए प्रीपेड इंश्योरेंस कितना 1,000 टिक टिक फोर्थ एडजस्टमेंट टिक दोनों इफेक्ट हो गया टिक। देन फिफ्थ वन कमीशन 3,000 रिसीव्ड इन एडवांस एडवांस में आ गया एडवांस में आ गया क्या करना था प्लस और माइनस माइनस हो गया व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट एडवांस में आया तो क्या है एसेट है कि लाइबिलिटी लाइबिलिटी ये साल को बिलोंग नहीं करता कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 3,000 लाइबिलिटी इनकम घटा लाइबिलिटी बढ़ा। डिड यू अंडरस्टैंड प्री रिसीव्ड इनकम प्री रिसीव्ड इस साल को बिलोंग नहीं करता हटाइए। नेक्स्ट वन परचेज उसको टिक किया फिफ्थ वाले को टिक फिफ्थ वाले को टिक करो देन परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ फर्नीचर देखो लेस करना था परचेज से हो गया एंड फर्नीचर में क्या करना था एड करना था वो भी हो गया दोनों इफेक्ट हो गया। अभी भी एक बाकी है एडजस्टमेंट
देखो हिडन का नाम ट्रायल बैलेंस फिर नॉर्मल एडजस्टमेंट फिर हिडन एडजस्टमेंट हिडन बाकी है व्हाट वाज दैट हिडन वन इफ इट इज हियर लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट व्हाट इज द सेकंड एसेट्स प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट ये लिखना भूलना मत वरना टैली होगा नहीं इज इट क्लियर एट नहीं सॉरी प्रीपेड कितना था नाउ योर सर्विस अभी खींचो आउटर कॉलम सबको ये 4,55,000 आ रहा है फाइव ना और ये 2,70,000 एंड 500 फाइंड आउट 61,500 पेंसिल से करो टैली पूरा पेंसिल से टैली करो फिर राइट निकलेगा तो पेंसिल करो आगे से हैबिट डालने का अभी पेंसिल से टैली करने का सब राइट होगा फिर पेन से कर करो टैली करो टैली टोटल आया तो खराब रहा जीपी 3,00,000 में कैपिटल 53,000 ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन ग्रॉस मार्जिन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स 14% 15% है 14-15% नॉट गुड ना जीपी इज बैड हो गई तो टू ग्रॉस प्रॉफिट का हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 61,500 नेट प्रॉफिट प्रॉफिट ही प्रॉफिट ही आ रहा है पक्का देख लो चेक कर लो इधर टोटल आ रहा है 86,500 और नेट प्रॉफिट इतना 2 नेट प्रॉफिट कैरी डाउन अच्छा किसको बिलोंग करता है ये नेट प्रॉफिट ओनर सो प्लस नेट प्रॉफिट प्रॉफिट 53,500 मुझे बताओ इफ यू कंपेयर दिस 53,500 विद दिस 4,55,000 व्हाट इज द रेट ऑफ नेट प्रॉफिट 11-12% 11.33 ठीक ठाक ही है
अच्छा व्हाट अबाउट रिटर्न ऑन कैपिटल 3 लाख पे 53,000 कमाए 16-17% नॉट सो गुड बट ओके 15 के ऊपर कुछ भी अच्छा है नेट प्रॉफिट मार्जिन आरओसी 15 के ऊपर इट्स गुड ये कितना आ रहा है आउटर कॉलम अरे हां भाई आउटर कॉल 3,30,000 टैली ऑन 5 ऐसे चेक किया 5,14,000 एसेट साइड आ रहा है। इसका कुछ होमवर्क नहीं है आज।